बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने BFS जो है वो कवर किया है, जिसमें जो है BFS की डेफिनेशन, उसकी टर्मिनोलॉजीज, उसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ वो देखी हैं, और हमने जो है वो पेपर वर्क पे उसकी एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने एल्गोरिदम को जो है वो रन करवाया कि किस तरह जो है वो एल्गोरिदम, ब्रेथ फर्स्ट फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम वो किस तरह रन होता है। इसमें भी हम थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो स्लाइड्स के थ्रू कवर कर लेंगे, इसकी टर्मिनोलॉजीज, प्रॉपर्टीज़ और इसमें क्या क्या होता है। ये 5-7 मिनट की वीडियो है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसकी जो है वो हम स्लाइड जो एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट जो है क्यूरीज के थ्रू उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। और देखेंगे कि किस तरह ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है एल्गोरिदम, ये किस तरह जो है वो रन होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च, लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है और इसे हम डेप्थ फर्स्ट सर्च ही क्यों कहते हैं। यू शुड हैव टू नो डैट। एक तो सबसे पहली बात, ये अनइन्फॉर्म सर्च की टाइप है। अनइन्फॉर्म सर्च हम कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको डेप्थ में पढ़ेंगे थोड़ा सा जाके। सबसे पहले तो इसे डेप्थ फर्स्ट सर्च इसलिए कहते हैं कि ये रूट नोड से स्टार्ट होता है एंड फॉलो ईच पाथ टू इट्स ग्रेटेस्ट डेप्थ नोड बिफोर मूविंग द नेक्स्ट पाथ। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये इसकी क्या है, रूट नोड है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये नीचे इसके क्या है, चाइल्ड नोड है। इसी तरह नीचे इसके क्या है, चाइल्ड नोड्स है। सेम लाइक दैट। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है कि उसने कहा जी स्टार्ट नोड से स्टार्ट हुआ है और फॉलो क्या करता है, ईच पाथ, हर पाथ को टू इट्स ग्रेटेस्ट डेप्थ नोड बिफोर मूविंग द नेक्स्ट पाथ। तो ये इस तरह मूव करता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसने पूरे अपनी डेप्थ में जाना है। डेप्थ में जाके देखना है कि आइदर ही गेट द डेस्टिनेशन पाथ और नॉट। ठीक है, अगर तो इसे नहीं मिला तो फिर इसने क्या करना है, वापस आना है, वापस आना है, वापस आना है और फिर दूसरे रास्ते जाना है और मूव करना है। ठीक है, तो सबसे जो इसकी खासियत है वो यही है कि इसमें बैक ट्रैकिंग यूज़ होती है। बैक ट्रैकिंग मीन, देखें यहाँ पे आया, सबसे पहले डेप्थ में आया, उसने देखा उसे अपनी डेस्टिनेशन या फाइनल गोल या फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट नहीं मिली, देन वो क्या किया, बैक ट्रैक किया, फिर बैक ट्रैक किया, फिर इधर को गया, इधर ढूंढा नहीं मिला, फिर बैक ट्रैक किया, फिर बैक ट्रैक गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। ठीक है, तो इस तरह क्या है, ये बैक ट्रैक करता है, मतलब अगर इसे डेस्टिनेशन गोल नहीं मिल रहा तो ये बैक ट्रैक करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा और जाके देखेगा कि किस तरह मूव होता है। जबकि इसमें तो क्या है, एक एक नोड सर्च होती है, इससे क्या होता है, इसका एक मेरिट ये भी है कि हम इससे टाइम जो है वो जो है सेव कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया और इसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपनी जो है वो गोल स्टेट मिल गई या डेस्टिनेशन स्टेट मिल गई, तो ये क्या करेगा, इन बाकी सबको क्या करेगा, छोड़ देगा, इन सबको एग्जामिन करेगा, इन पे जाएगा नहीं क्योंकि उसे अपनी गोल स्टेट मिल गई। तो इससे फायदा ये हुआ है कि इससे जो है हम टाइम को सेव कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जबकि BFS में क्या होता था, हम इस नोड पे जाते थे, फिर इसको एग्जामिन करते थे, फिर इसको एग्जामिन करते थे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो इस तरह क्या, जब तक हमें अपनी डेस्टिनेशन नोड नहीं मिल जाती थी, हम ईच नोड को, ईच नोड हर सेट को क्या करते थे, एग्जामिन करते थे। तो पता क्या चला कि BFS जो है ब्रेथ वाइज जो है वो मूव होता है, जैसे ब्रेथ वाइड होती है ना, इस तरह जो ब्रेथ वाइज जो है मूव होता है, जबकि DFS क्या होता है, DFS डेप्थ वाइज जो है मूव होता है, डेप्थ में जाता है और जाके अपना सोल्यूशन फाइंड करता है। सिमिलर तो है BFS का, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसको जो है वो बहुत थोड़ी मेमोरी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इट ओनली नीड टू स्टोर अ स्टैक ऑफ नोड फ्रॉम रूट नोड टू करंट नोड। ठीक है, मतलब क्या कि इसमें जो है एक
एक तो जो है डाटा स्ट्रक्चर जो है वो स्टैक यूज होता है, चले वो नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं क्या होता है। सो ये तो एग्जांपल थी इसकी, और एग्जांपल कह रहा हूँ डेफिनेशन थी इसकी कि कौन क्या एल्गोरिदम है, रिकर्सिव एल्गोरिदम है और बैक ट्रैकिंग का आइडिया इसमें यूज होता है। बैक ट्रैकिंग से क्या मुराद है, व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड देर आर नो मोर नोड अलोंग द करंट पाथ, यू मूव बैकवर्ड टू ऑन द सेम पाथ टू द फाइनल नोड टू रिवर्स। ठीक है, तो जब तक आपको नहीं मिल जाती आप क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। सो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब देखते हैं कि वाई डीएफएस क्यों यूज होता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस में डीएफएस यूज होता है। जहाँ पे हमें क्या हो, डेस्टिनेशन पे जाना हो और हमें क्या टाइम जो है वो बचाना हो। जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है एनालाइजिंग नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल आपने एक नेटवर्क पर अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, अपना मैसेज भेजा है, अपनी फाइल भेजी है, तो राउटर क्या करता है, राउटिंग करता है। राउटिंग करके बेस्ट पाथ फाइंड करता है, पहले डेप्थ में जाके देखता है कि जो डेस्टिनेशन पाथ है उस पर कम से कम टाइम लगे जिस पाथ के थ्रू, तो वो पाथ वो क्या करता है, फाइंड करता है। उस पाथ के थ्रू जो है वो देखता है कि वो मेरी डेस्टिनेशन नोड पड़ी हुई है, तो क्या करता है वापस आता है, फाइल उठाता है और फिर उसी पाथ के थ्रू क्या जाता है, मूव हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है, एक तो अगर नहीं उसे पाथ मिला तो फिर क्या होगा, सेम एज लाइक बैक ट्रैक करेगा, बैक ट्रैक आएगा, मेन राउटर पे आएगा, फिर दूसरी राउटिंग राउटर्स पे जाएगा, दूसरा राउटिंग वे देखेगा कि कौन सा जो है वो बेस्ट है मेरे डेस्टिनेशन पाथ के लिए, तो फिर फाइल को उठा के उधर लेकर जाएगा। तो एनालाइजिंग नेटवर्क, नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए ये यूज़ होता है। इस तरह जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल्स गेम है उसमें भी इस तरह होता है ना, हम नीचे डेप्थ में जाते हैं, देखते हैं कि ये इस तरह सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं फिर वापस आते हैं, फिर कोई और रास्ता ढूंढते हैं। सुडोको जैसे गेम है आप लोगों की, ठीक है। स्केजलिंग प्रॉब्लम जिसमें स्केजुअल हो, ठीक है, एक डेप्थ में जाके देखना हो, फिर वापस आके जो है वो प्रॉब्लम को दोबारा से दूसरे रास्ते से सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो इस तरह के एप्लीकेशंस में ये क्या होता है, यूज़ होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ इट रिकर्सिव एल्गोरिदम मीन फॉलो अ बैक ट्रैक, वो हम पढ़ चुके हैं। इट यूज द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर क्या करता है, ये यूज़ करता है, सॉरी स्टैक डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है, मे बी यू हैव टू सम नॉलेज अबाउट इट। तो ये इस तरह होता है एक स्टैक, स्टैक में क्या होता है, लीफो होता है, बीएफएस में क्या है, फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या होता है, लीफो की जो है वो टर्म यूज़ होती है, लीफो मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरह करके क्या होता है, स्टैक बना होता है। अब क्या होगा, सबसे पहला एलिमेंट जो आएगा या सबसे पहली वैल्यू जो पास होगी वो इधर पास होगी। फॉर एग्जांपल वैसे इधर एक वैल्यू पड़ी होती है, ठीक है, सबसे पहली वैल्यू इधर पास होगी, इधर पास होने के बाद अब जो नई वैल्यू आएगी ना वो पास तो इधर होगी लेकिन इस वैल्यू को क्या कर देगी, पॉप आउट कर देगी, ठीक है। तो अब ये लास्ट पे पड़ा था, फर्स्ट पे पॉप आउट हुआ है, फिर ये वाली जब नई वैल्यू इधर आएगी तो इस वैल्यू को क्या कर देगी, पॉप आउट कर देगी, फिर जब नई वैल्यू इधर आएगी इस वैल्यू क्या कर देगी, पॉप आउट कर देगी, मेमोरी से निकालती जाएगी। तो लास्ट इन और फर्स्ट आउट, इसका ये मतलब होता है कि जो आखिर पे आया वो पहले जाएगा, ठीक है। तो लीफो की टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती है, स्टैक यूज होता है इसमें, और स्टैक के अंदर जो है वो लीफो की टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरह क्या होगा, इससे हमारी मेमोरी एक तो सेव होगी, सेकंड ये क्या है कि ज़्यादा रश नहीं पड़ेगा जैसे होता है ना एलिमेंट्स का, और उनको जो है वो कंपेयर करना और उनकी वैल्यूज जो फाइंड करना वो हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम इजी फॉर अस, ठीक है। एक तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है, इट माइट बी इनकम्प्लीट, हाँ ये भी पॉइंट है इसका कि ये इनकम्प्लीट भी हो सकता है, शायद ये डेप्थ में जाए और इसे पाथ ना मिले और टाइम आउट हो जाए, फिर दूसरे रास्ते जाए फिर उसे पाथ ना मिले टाइम आउट हो जाए, तो इनकम्प्लीट भी हो सकता है, इसको अपना डेस्टिनेशन क्या हो सकता है, फाइंड नहीं भी हो सकता। तो फॉर एग्जांपल अगर फाइंड हो भी गया, एक रूट पे फाइंड हो गया इसको अपना जो है डेप्थ में जाके गोल स्टेट, जबकि उसकी दूसरी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है वो दूसरी साइड पे पड़ी हो, तो वो डेस्टिनेशन स्टेट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। जैसे अगर आप ले कोई गेम ही ले लें, तो आप क्या करते हैं अपनी तरफ से क्या समझते हैं कि ये जो है वो इसका फाइनल जो है वो डिसीजन है, ये मेरी तरफ से फाइनल है, जबकि उसकी और भी जो है मिनिमम वैल्यू पड़ी होती है। जब आप गेम ओवर करते हैं तो या एंड अपना सॉल्यूशन जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, तो फिर वो आगे से आपको बताता है कि इसकी और भी मिनिमम वैल्यू थी, आप उस साइड पर नहीं गए।
ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह ही इसमें भी होता है, शायद कि एक नोड पे ही जाए और देखे अपना डेस्टिनेशन पे, इसको मिल जाए डेस्टिनेशन पर, वो गोल स्टेट कम मिनिमम वैल्यू रखती हो एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इज जस्ट नाउ अबाउट द प्रेजेंट नॉलेज एंड नेवर हैड द फाइनल डिसीजन। एग्जैक्टली क्या होता है, इस नोड से ये स्टार्ट हुआ है तो इसको सिर्फ इसका नॉलेज होगा, नीचे कितनी वैल्यूज हैं, कितनी नोड्स हैं, कितनी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, वो इसे नहीं पता होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इस नोड का इसे इलम है, उसके अलावा किसी नोड का इलम नहीं है। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज कौन सी यूज करेंगे हम इसमें, स्टैक मीन लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एडजेसेंट वर्टिसेस मीन चाइल्ड वर्टिसेस, चाइल्ड एडजेसेंट, जब मैं एग्जांपल करूंगा पेपर वर्क पे, तब मैं एडजेसेंट का लफज अगर यूज करूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले जो हैं वो चाइल्ड नोड हैं। ठीक है, ये वाले चाइल्ड नोड्स हैं। और पॉप आउट मीन लीव द स्टैक, पॉप इन मतलब इंसर्ट द स्टैक, पॉप आउट मीन लीव द स्टैक। विजिटेड वर्टिसेस दैट एट वेयर यू वांट टू स्टार्ट, इसे क्या कहते हैं, विजिटेड वर्टिसेस। और इसके लिए क्या होगा, ये विजिटेड वर्टिसेस होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो है पेरेंट तो यही है और इसका पेरेंट यही है, तो जो जो होगा पेरेंट नोड वो क्या होगी, विजिटेड वर्टिसेस, और जो चाइल्ड नोड्स होंगी उन्हें क्या कहेंगे, एडजेसेंट जो है वो कहेंगे वर्टिसेस, चाइल्ड वर्टिसेस या एडजेसेंट जो है अनविजिटेड वर्टिसेस। सो ये तो क्लास थोड़ा सा इसके जो थियोरेटिकल जो पार्ट था। नेक्स्ट जो है हम एग्जांपल इसकी जो करते हैं पेपर वर्क पे, क्योंकि इधर ज़रा करना थोड़ा सा इट्स अ डिफ़िकल्ट पार्ट, सो आप लोगों को उस तरह समझ भी नहीं आती जिस तरह बंदा जो है वो उधर समझा सकता है। सो लेट्स बिगिन एट द अदर साइड।